खबर भोपाल के बैरसिया की है, जहां भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को भारतीय किसान संघ बैरसिया के प्रमुख कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मध्य भारत प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश दांगी, जिला मंत्री गिरवर सिंह राजपूत, तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दांगी, मंत्री लोकेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में बैरसिया अनुविभागीय अधिकारी SDM को राष्ट्रव्यापी समस्याओं से संबंधित प्रधानमंत्री, राज्यव्यापी समस्याओं से संबंधित मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश एवं किसानों की स्थानीय समस्याओं से संबंधित SDM आदित्य जैन बैरसिया को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की गई, जिसमें स्थानीय समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग संगठन के पदाधिकारियों ने की है। लगभग सैकड़ों की संख्या में आज तहसील कार्यालय में स्थानीय किसान उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान बलराम की जय घोष के साथ जिला प्रशासन से किसानों की समस्या का तत्काल निराकरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी उस घोषणा से अवगत करवाया गया है, जिनमें उन्होंने किसानों के हित में खेत सड़क योजना को प्रारंभ किए जाने की बरसों पूर्व शासन स्तर पर घोषणा की थी। किसानों का कहना है कि खेतों में सड़क के अभाव के कारण किसानों को अनेक समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष की स्थिति भी निर्मित होती है। किसानों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं के साथ उक्त प्रमुख मांग को प्रदेश स्तर पर शीघ्र लागू किया जाए। भारतीय किसान संघ आज जो ज्ञापन दे रहा है वो केवल बैरसिया तहसील में, भोपाल में नहीं, बल्कि सारे देश भर में 15 सितंबर को देश भर में ज्ञापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों की जो जो समस्याएं होती है, किसान संघ में जो कार्यकर्ता काम करते हैं आती है, तो उन सब समस्याओं को उन ज्ञापन के माध्यम से लिखते हैं और आज के दिन दी जाती है। आपने अभी ज्ञापन में किसी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कम से कम 50 समस्याएं ऐसी है जो ज्ञापन में हमने दी गई हैं। कुछ प्रधानमंत्री के नाम से हैं, कुछ मुख्यमंत्री के नाम से हैं और कुछ जो है कलेक्टर और SDM साहब के नाम से ये ज्ञापन दिया गया है। आज आपको जोर से बोलना अभी, मतलब बैरसिया क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवर्षा हुई है, उससे काफी फसलें खराब हुई हैं, लोगों के घर खराब हुए हैं, तो उनको मुआवजा कब तक मिल जाएगा, क्या आश्वासन मिला है? देखो, वो ज्ञापन में वो बात तो हमने दी है कि हलाली डैम से बहुत नुकसान हुआ, संजय सागर से बांध से बहुत नुकसान हुआ, अभी अतिवर्षा जो हो गई देश भर में, क्या मध्य प्रदेश में 1.5 वर्षा हो गई है लगभग, तो इसके कारण मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गए, कईयों का मकान बेचारों के गिर गए, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, कहीं स्कूल में पढ़े हैं, कहीं किसी के यहाँ पढ़े हुए हैं, तो सरकार से हमने कहा है भैया इनकी व्यवस्था कुछ की जाए कम से कम। तो अगर यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई, किसान संघ क्या करेगा? भारतीय किसान संघ हमेशा चेतावनी देता है और नहीं की गई, तो हमने तो अभी कहा है कि हम अगले जो है नवम्बर के महीने में प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा एक आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं, देखते हैं सरकारें कितना हम ज्ञापन दे रहा है उस पर कदम उठाती है, कितना काम करती है, नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन हमारा जो है वो करेंगे हम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।